नमस्कार, मैं हूं प्रभा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 मैनपुरी जिले की करल सीट से लड़ेंगे। इसे सुरक्षित सीट माना जा रहा है। मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। करल सीट मध्य यूपी के यादव क्षेत्र में आती है। भाजपा ने पिछली बार 2 दशक पहले ये सीट जीती थी और तब से यह समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से मौजूदा सांसद भी हैं। आइए देखते हैं रिपोर्ट। लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जिलाध्यक्ष देवेंद्र यादव, MLC अरविंद यादव और करहल विधायक सोबरान सिंह के साथ बैठक के बाद सीट को अंतिम रूप दिया गया था। ये राज्य विधानसभा चुनावों में अखिलेश यादव की शुरुआत का प्रतीक होगा। वे वर्तमान में संसद में आजमगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2012 में जब यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तब वे विधान परिषद के लिए चुने गए थे। 1993 के बाद से समाजवादी पार्टी ने ये सीट 7 बार जीती है, जबकि 2002 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने ये सीट जीती थी। मैनपुरी लोकसभा सीट के 5 विधानसभा क्षेत्रों में से एक करहल में 20 फरवरी को मतदान होगा और सीट के लिए नामांकन 25 जनवरी से शुरू होगा। अखिलेश के चचेरे भाई तेज प्रताप को विधानसभा का प्रभारी बनाया जा सकता है। करहल सीट पर जाति समीकरण पार्टी के लिए अनुकूल है, क्योंकि इसमें लगभग 1.5 लाख यादव मतदाता हैं, जिन्हें समाजवादी पार्टी का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है। इस सीट में लगभग 14,000 मुस्लिम और 34,000 शाक्य समुदाय के मतदाता भी हैं, जो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत अनुकूल हैं। बुधवार को समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा था कि अगर वे उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो वह आजमगढ़ के लोगों से अनुमति लेंगे। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मैं आजमगढ़ के लोगों की अनुमति लूंगा और फिर वहां से चुनाव लड़ूंगा। इस बीच यूपी बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने प्रतिक्रिया करते हुए कहा, अगर अखिलेश जी सोचते हैं कि मैनपुरी उनके लिए सुरक्षित है तो यह उनकी गलतफहमी है। उनके पिता बसपा प्रमुख मायावती की अपील के बाद 2019 के चुनावों में मुश्किल से जीते थे, जबकि भाजपा के 50 से अधिक सांसदों ने 1 लाख से अधिक के अंतर से जीत हासिल की थी। भाजपा मैनपुरी में ही उनकी साइकिल पंचर कर देगी ताकि वह एक्सप्रेस वे पर चढ़कर लखनऊ ना पहुंच सके। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 7 चरणों में 10 फरवरी से 7 मार्च तक होंगे और मतगणना 10 मार्च को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, तरकश।